ओलंपिक्स शुरू होने में केवल 31 दिन बाकी हैं और एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों के दमदार प्रदर्शन के बाद अब पूरा देश इस उम्मीद में है कि भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक्स में भी पदकों की झड़ी लगा दें। जिस खेल में भारत को सबसे ज्यादा पदकों की उम्मीद है वो है मुक्केबाजी, और मुक्केबाजी में जिस खिलाड़ी पर पदक जीतने की सबसे ज्यादा उम्मीदें टिकी हुई हैं, वो है भारतीय बॉक्सिंग को एक नई पहचान देने वाले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह। 26 वर्षीय विजेंद्र सिंह का जन्म 29 अक्टूबर 1985 को हरियाणा में स्थित एक छोटे से शहर भिवानी में हुआ। भिवानी क्षेत्र के गांव कालूवास में रहने वाले विजेंद्र सिंह ने अपनी शुरुआती शिक्षा भिवानी में ही ली और साथ ही भिवानी बॉक्सिंग क्लब में मुक्केबाजी सीखना शुरू किया और यहीं से शुरू हुआ उनके मुक्केबाजी का सफर। उन्नीस सौ छियानवे में मुक्केबाजी शुरू करने के बाद विजेंद्र सिंह ने कुछ ही सालों में राष्ट्रीय स्तर पर अपने नाम के झंडे गाड़ दिए। साल 2004 में विजेंद्र सिंह के करियर को एक नई दिशा मिली जब उन्होंने एथेंस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया और इसके बाद अब तक विजेंद्र लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में अपना लोहा मनवा चुके हैं। विजेंद्र सिंह ने साल 2008 के बीजिंग ओलंपिक्स में 75 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारतीय मुक्केबाजी में एक नया इतिहास रच दिया। ये पहला मौका था जब किसी भारतीय मुक्केबाज ने ओलंपिक्स में पदक जीता हो। इसके अलावा विजेंद्र ने साल 2009 में मिलान में हुए वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। साथ ही विजेंद्र ने 2006 में मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत और दोहा एशियन गेम्स में कांस्य पदक अपने नाम किया। हाल ही में दिल्ली में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में विजेंद्र ने कांस्य पदक अपने नाम किया और इसके ठीक बाद ग्वांगझू एशियन गेम्स में विजेंद्र ने गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। विजेंद्र सिंह ने लगभग हर बड़ी प्रतियोगिता में दमदार प्रदर्शन कर भारत का गौरव बढ़ाया है। अपने शुरुआती दौर में भिवानी बॉक्सिंग क्लब के कोच जगदीश सिंह से कोचिंग लेने के बाद विजेंद्र लंबे समय से भारतीय बॉक्सिंग टीम के चीफ कोच गुरबख्श संधू से ही प्रशिक्षण ले रहे हैं। विजेंद्र इज फेस ऑफ इंडियन बॉक्सिंग, इंडियन बॉक्सिंग उसके नाम से भी जानी जाती है और उसने इंडियन बॉक्सिंग को बहुत देने, अगर 2008 के दिन याद आते हैं मेरे को तो उस समय मेरे को अखिल और विजेंद्र बहुत याद आते हैं। तो विजेंद्र गॉट अ मेडल, रियली वेरी कूल, वेरी एक्सीलेंट बॉय एंड इट इज ग्रेट टू हैव हिम विद द टीम। भारतीय मुक्केबाजी को एक नई पहचान देने वाले विजेंद्र सिंह को भारत सरकार ने कभी अनदेखा नहीं किया और उन्हें अलग अलग समय पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। विजेंद्र सिंह को मुक्केबाजी में उनके प्रदर्शन के लिए साल 2009 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके ठीक बाद साल 2010 में विजेंद्र सिंह को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। भारतीय मुक्केबाजी में नए इतिहास रचने के लिए जाने जाने वाले विजेंद्र सिंह ने इसी साल एक और इतिहास रच दिया जब उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में अपनी जगह पक्की कर ली। विजेंद्र लगातार 3 ओलंपिक्स खेलने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज बन चुके हैं। वहीं विजेंद्र सिंह का मानना है कि राह अभी खत्म नहीं हुई है और वो और भी ओलंपिक्स खेलना चाहते हैं। मैं 2-3 और खेलना चाहूंगा और अभी तो कहते शुरुआत है, अभी आई एम स्टिल 26 और मैं चाहूंगा 2-3 ओलंपिक और खेलूं और बट खेलना ही नहीं, मेरा मेडल जीतना ही बहुत इम्पोर्टेंट है ओलंपिक्स में। तो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज था तो इस बार गोल्ड या सिल्वर की कोशिश करेंगे हम। देखिए उनके नाम के साथ तो कहते हैं कि इतिहास जुड़ा हुआ है और वो हर बार एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए जा रहे हैं, तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। बट हम चाह रहे थे कि भाई फर्स्ट में जब वो हम थोड़ा सा उनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, थोड़ा सा अपसेट हुए, बट जब सेकंड में उन्होंने क्वालिफाई किया तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई और वो धीरे 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 इतना इम्प्रूव कर लेते हैं और अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना लेते हैं कि लास्ट टाइम में अपनी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। ओलंपिक्स में उन्होंने एक हिस्ट्री बनाया, भारत में पहला बॉक्सिंग में मेडल लेके, तो डेफिनेटली इंडिया के लिए बहुत प्राउडेस्ट मोमेंट था और उससे प्रेरित होकर इस बार मतलब बच्चे क्रिकेट को छोड़ के बॉक्सिंग खेलने लग गए, तो ये बहुत बड़ी बात है। हमारी ये तमन्ना थी कि वो हमारी टीम में आए, उसका क्वालिफिकेशन के बाद हमें बहुत राहत मिली और अब वो दोबारा ट्रेनिंग शुरू कर दी है उसने और मेरे को उम्मीद है उसके साथ उसका खुद का और टीम का हौसला भी बुलंद हुआ है और आने वाले गेम्स में पूरी उम्मीद है कि वो अपना अच्छा प्रदर्शन करेगा। ही इज फर्स्ट इंडियन, पहला हिंदुस्तानी है जो तीसरी ओलंपिक खेल रहा है। विजेंद्र एक तो आइकॉन है, बॉक्सिंग का आइकॉन है। विजेंद्र थे, अखिल थे, ये दोनों बॉक्सिंग का आइकॉन है। इन्होंने जितना नेम फेम दिया है बॉक्सिंग को,
शायद ही कोई थे। और ये विजेंद्र क्वालिफाई, सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की विजेंद्र क्वालिफाई हुआ और इसका थर्ड ओलंपिक है और इस बार भी मेडल देने की मेडल देगा हमें। जहां विजेंद्र भारत के लिए लगभग हर बड़े टूर्नामेंट में पदक जीत चुके हैं, वहीं कुछ मौकों पर विजेंद्र को निराशा भी मिली है। विजेंद्र साल 2006 के कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने के नजदीक थे, लेकिन उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। लेकिन वहीं अपने मुक्कों से दुनिया के एक से बढ़कर एक मुक्केबाजों को धूल चटा चुके विजेंद्र का मानना है कि रिंग में उतरते समय उनका एक ही लक्ष्य होता है और वो है जीत। विल ट्राई आवर बेस्ट कि हाँ देखते हैं क्या होता है, बट वो तो उस टाइम के ऊपर, उस पीक के ऊपर डिपेंड करा कि उस दिन कैसा खेलते हैं, बिकॉज आप हर दिन अपना 100% नहीं दे पाते तो, बट कई बार आप 100 से भी एक्स्ट्रा कर देते हैं। जाके ठोक दो, जीतना है फाइट को, बस यही 9 मिनट है तुम्हारे पास, उसके बाद कोई नहीं पूछेगा, तो सिर्फ जीत के लिए हम उतरते रहेंगे। साल कोई भी रहा हो, प्रतियोगिता कोई भी रही हो और सामने का प्रतिद्वंदी कोई भी रहा हो, विजेंद्र सिंह ने हर जगह और हर प्रतिद्वंदी के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया है और हर बड़ी प्रतियोगिता में जीत दर्ज कर भारतीय मुक्केबाजी को एक नई पहचान दी है। साल 2006 से साल 2012 तक हुई हर बड़ी प्रतियोगिता में भारत के लिए पदक जीतने वाले विजेंद्र सिंह से अब लंदन ओलंपिक्स में भी पदक की उम्मीद रहेगी। उम्मीद यही है कि विजेंद्र लंदन ओलंपिक्स में पदक जरूर जीतें। पटियाला से परवेज संधू और कैमरामैन ललित पांडे के साथ वैशाली चौधरी, डे नाइट न्यूज़।